अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और मज़ेदार ब्रेड रोल्स। लेट्स स्टार्ट। ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ब्रेड एक अदद, प्याज बारीक कटा हुआ एक अदद, बंद गोभी हाफ कप, शिमला मिर्च एक अदद, मटर उबले हुए हाफ कप, उबला हुआ चिकन एक कप, उबले हुए आलू एक कप, नमक 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें 3 या 4 अदद बारीक काट लें, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, सब्ज़ धनिया हाफ कप, काली मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ टी स्पून। एक बोल में सब चीज़ें मिक्स कर लें। ब्रेड के किनारे उतार लें और एक अलहदा बोल में डाल लें। ब्रेड के दरमियानी हिस्से को गीला करें और दोनों हाथों से ब्रेड को प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। मिक्सचर रखें और हाथ से ब्रेड को रोल कर लें। ब्रेड के जो किनारे उतारे थे उनको ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लें। ब्रेड की कोटिंग के लिए हमें चाहिए अंडे और ब्रेड क्रम्स।
अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, इस तरह सब तैयार कर लेंगे। एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे, आंच दरमियानी रखेंगे और इन सब रोल्स को लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार ब्रेड रोल्स।